दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई का दिन हर दिन की तरह एक नया दिन था, लेकिन घर से निकली 16 साल की साक्षी नहीं जानती थी कि यही उसके लिए नया और आखिरी दिन था और उसके परिवार के लिए काला दिन। साक्षी के माँ बाप नहीं जानते थे कि अब वो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। साहिल नाम का दरिंदा साक्षी को मारने का प्लान बना चुका था। जैसे ही साक्षी शाहबाद डेयरी इलाके में पहुंची, साहिल ने पहले उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। यह हत्यारा यहीं नहीं रुका, चाकू के बाद साहिल ने साक्षी को पत्थर से कुचलना शुरू कर दिया। साहिल ने बिना किसी आनाकानी के अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन इस पूरी वारदात के बाद ये सवाल सबके मन में उठा कि आखिर साहिल ने ऐसा क्यों किया। तो इस पूरे हत्याकांड की कड़ियां एक चैट से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साक्षी, साहिल, नीतू और प्रवीण की इंस्टाग्राम चैट सामने आई है। ये चैट 6 अप्रैल से 6 मई के बीच की है। 6 अप्रैल को साक्षी ने इंस्टाग्राम पर साहिल को हाय लिखा, फिर 14 अप्रैल की रात 2 बजे प्रवीण ने साक्षी को हाय का मैसेज लिखा, ये भी कहा कि बात करनी है। इस मैसेज का साक्षी ने नीतू को स्क्रीनशॉट भेजा। फिर 6 मई को नीतू ने साक्षी को मैसेज किया, साक्षी यार कहाँ है तू, बात नहीं करनी मुझसे। इसके बाद साक्षी जवाब देती है, यार मम्मी पापा ने बंद कर रखा है घर में, फोन भी नहीं देते, मैं क्या करूं, भाग जाऊंगी। इन दोनों चैट से ये बात तो साफ है कि साक्षी की पर्सनल लाइफ बीते कुछ महीनों से आउट ऑफ ट्रैक तो थी, लेकिन किस वजह से, इस लूप होल को भरने की पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है कि आखिर साक्षी भागना क्यों चाहती थी और क्या साक्षी का किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। दूसरी ओर साक्षी के द्वारा उसकी दोस्त भावना और झबरू नाम के एक लड़के के साथ मिलकर आरोपी साहिल को धमकाने की बात भी सामने आई थी। बात धमकी तक नहीं खत्म हुई, साक्षी ने बाकायदा साहिल को कॉल भी किया और कहा कि ज्यादा बदमाश है क्या तू, कहाँ चली गई थी तेरी बदमाशी। इस ऑडियो में साहिल की आवाज नहीं आ रही है और सिर्फ साक्षी ही बोल रही है। साक्षी की हत्या के बाद पुलिस को ये ऑडियो साक्षी की दोस्त भावना से मिला। वहीं सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 27 मई की दोपहर 3:41 पर साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल हुई, जो काफी लंबे समय तक चली। इसके बाद 28 मई यानी मर्डर वाले दिन भी सुबह 7:19 पर साहिल और साक्षी के बीच 2 बार वीडियो कॉल हुई। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी साहिल ने पुलिस को जो बयान दिया, उसके मुताबिक साक्षी की झबरू के साथ दोस्ती हो गई थी और साहिल की साक्षी के साथ कहासुनी हुई। यही नहीं, साक्षी को पता चला था कि साहिल का पूरा नाम साहिल खान है। इन बातों में कितना सच है, पुलिस इन परतों को और बारीकी से खोलने की कोशिश कर रही है और केस में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।